अगर आपको कश्मीर में नहीं हो सकता कुछ, आप कहते हो वहाँ पंगा है फलाना, आप उनको देखो इधर इधर हमारा यहाँ के इलेक्शन क्यों नहीं होगा। हम तो 371 जम्मू के लिए चाहिए, सेपरेट स्टेट बनाने के लिए चाहिए। उन्होंने क्या क्या लाना बुलाएं, आप गुलमर्ग में लोगों की रोज बर्फ दिखाते हो, हमारे भद्रवाह किश्तवा डोडा की क्यों नहीं दिखाओगे भाई? हमारा टूरिज्म जीरो कर दिया आपने, क्यों नहीं करोगे? मैं सब बातचीत करने के लिए मौजूद है लाल सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनमें इन्होंने बात की जम्मू को सेपरेट स्टेट और 371 मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को पहले से ही 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम कर दिया गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले से ही जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम कर दिया गया, अब आप जम्मू को भी अलग करने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? मर्जी मेरी, क्या मजबूरी आया कि जम्मू को अलग करने की? मेरी कोई मजबूरी नहीं, ये जम्मू के लोगों का अधिकार है, उनको सेपरेट स्टेट चाहिए विद आर्टिकल 371 चाहिए, और हम जम्मू के अधिकार दिलवाना चाहते हैं। हम लंबा चौड़ा कहानी में नहीं पढ़ना चाहते, हम जो सिंपल कहना चाहते हैं कि आज तक जितनी स्टेट बड़ी स्टेट से जो स्टेटें निकली हैं वो प्रॉस्पेरस हो गई, तरक्की कर गई, और बड़ी बड़ी में रही हैं तो जिसकी डोमिनेशन उसने उसको एक्सप्लॉइट किया है। हम कब तक एक्सप्लॉइटेशन में फंसेंगे? हमारी इतनी एक्सप्लॉइटेशन हो चुकी है, आप डोडा जाओ, भद्रवाह जाओ, किश्तवाड़ जाओ, पुंछ जाओ, रजौरी जाओ, इन इलाकों में और ठंडे इलाकों में घूमो, और भी ज़्यादा। आपकी नूरी पिक्चर बनी, तकलीफ क्या हुई थी, क्यों बंद करवा दिया उसके बाद? आपकी पिक्चरें बनी और आपने बंद करा दी, हमारी नहीं जाएगा कोई। लेकिन पीडीपी कहती है 370 से वापस आएगा। आप गुलमर्ग में लोगों की रोज बर्फ दिखाते हो, हमारे भद्रवाह किश्तवाड़ डोडा की क्यों नहीं दिखाओगे भाई? हमारा टूरिज्म जीरो कर दिया आपने, क्यों नहीं करोगे? और इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो अब हम अपनी स्टेट भी नहीं बनाएंगे तो हम कैसे रहने देंगे? क्या चौधरी साहब, आप जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात करें, वहीं महबूबा मुफ्ती कहती है कि 370 और 35 वापस आएगा। वो लाएगी ले आए, हम तो 371 जम्मू के लिए चाहिए, सेपरेट स्टेट बनाने के लिए चाहिए। उन्होंने क्या क्या लाना बुलाएं? महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, एक अच्छा खासा गुलदस्ता बना हुआ था, उसको पहले 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया, आप कह रहे हैं जम्मू को भी अलग कर दो। दो मुल्कों में, तीन मुल्कों में पटा महाराज साहब का, जो हमारे डोगरों ने बनाया था, जो डोगरा यहाँ जम्मू सूबा में रहता है, इन डोगरों ने ये स्टेट बनाई थी, 84,000 मुरबा मील, जो कुछ चीन को चली गई, कुछ इधर चली गई, पाकिस्तान में चली गई, तो 47 में फौजें आगे बढ़ रही थी, क्या तकलीफ थी रोकने की? क्यों नहीं बोला का आने दिया? क्या वो जो मुसलमान नहीं थे क्या? उस समय आपको लगा कि आपकी बोली बोलने वाले कम हो जाएंगे और ये ज़्यादा हो जाएंगे बाकी लोग, तो हमारे लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो गलती इन्होंने की। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिर पे रखें? अभी तक हटें, अपनी स्टेट को बनाएं। कश्मीर की हालत ये है, 2 से 10 फ्रेंट बोर्ड पड़ते हैं, सारा कश्मीर नाराज है इनसे, इन पॉलिटिशनों से। अभी तक ये कश्मीर को खुश नहीं कर सके, कभी कश्मीर में ऐसे घूम नहीं सकते जिस तरीके से जम्मू में आके बड़के मारते हैं इधर आके, हैं? इसलिए हम क्यों भोगें भाई ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी को, एलजी साहब की सरकार को? अगर आपको कश्मीर में नहीं हो सकता कुछ, आप कहते हो वहाँ पंगा है फलाना, आप उनको देखो इधर इधर हमारा यहाँ के इलेक्शन क्यों नहीं होगा? 5 अगस्त 2019 के बाद बताया गया था नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, वहीं लेकिन नौजवानों पर लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, यही नया जम्मू कश्मीर है? नौजवानों पे हो रहा है, बुजुर्गों पे हो रहा है। बुजुर्ग इस समय लाइन में खड़े हैं कोर्ट कचहरियों में अपनी उम्र का सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो पेंशन का हाल बना हुआ है। अब राशन कार्ड की वेरिफिकेशन आ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया है, अब बच्चों का जो कंपनी चोरी के इल्ज़ाम में थी, जिस पे इल्ज़ाम थे, उसको इनके ऊपर ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेने के लिए, एग्ज़ाम लेने के लिए लगाया गया। अगर बच्चों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, इनको तकलीफ क्या है? हटाओगे? क्यों नहीं हटाओगे इसको? क्यों नहीं हटाओगे भाई दीवे? JKSSB के चेयरमैन को क्या जरूरत पड़ी इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए कि एपटेक कंपनी ब्लैकलिस्ट कंपनी नहीं है? उनसे सांठगांठ होगी, उनका क्या होगा इससे? उनका होगा कुछ? ऐसे कोई कह रहे जिन्होंने लाई उनका कुछ होगा ना? बच्चों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज, अब वो कह कह सकते हैं जिन्होंने लाया उसको? पहले बताओ कि ये सर्व सिलेक्शन बोर्ड हो या पुलिस कमीशन हो, इनका काम क्या? ये इंटरव्यू नहीं ले सकते, एग्ज़ाम नहीं ले सकते, तो ये बैठे किस लिए? अगर कंपनियाँ लानी थी तो इनको क्यों बैठाना? फिर कंपनी को बना दो चेयरमैन किसी को। बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर चौधरी लाल सिंह क्या कहेंगे और किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? पुलिस को लाठीचार्ज का जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर जो उनको हुक्म चलाते हैं उन पर उनको? सरकार को कहते हैं हम,
जो सरकार का कसूर है, गवर्नमेंट होती है, इसमें हिज एक्सेलेंसी वहाँ पर उनका कसूर है। उन्होंने पूछा नहीं कि बच्चे किसके हैं, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इस स्टेट का इस समय, माई बाप मालिक कौन है, हिज एक्सेलेंसी एलजी साहब मनोज सिन्हा। आपको लगता है एलजी अपनी मर्जी से बैरिकेड पे चला गए? उनके बच्चों पर लाठी चार्ज होगा और वो तमाशा ही देखेंगे तो कसूर किसका रहेगा? कसूर किसी डीजीपी का कह देंगे, डीजीपी की इतनी मजाल है कि वो बगैर पूछे ऐसा लाठीचार्ज करवा देगा। तो एक एसएसपी की हिम्मत है बगैर डीजीपी के कहने से कहता, एक डीएसपी की हिम्मत है को एसएसपी के बगैर करेगा, एक एसएचओ की हिम्मत है को डीएसपी के बगैर पूछेगा, और जब तहसीलदार उसके पे आर्डर देने के बगैर करेगा या किसी डीसी के पे आर्डर देगा। ये एक चेन होती है, देयर इज़ अ चेन, और उसे सारी चेन फंक्शन करती है। और सीआईडी खबर जाती है भी बच्चों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब बच्चे निहत्ते हैं, ना हाथ में लाठी है ना कोई पत्थर है, बच्चे नहते हो कि अगर आपसे प्रदर्शन कर रहे हैं तो तकलीफ क्या है इस बात की? उनको प्रदर्शन करने देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो इंटरव्यू देने वाला कह रहा है कि इंटरव्यू देने वाले गलत हैं तो आप उसको हटा दो। कौन सी आपका खर्चा लगेगा? क्या आपने ज़्यादा पैसे ले उनसे, उनके खर्चा दिए क्या? JKSSB के चेयरमैन कहते हैं कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एस्पिरेंट्स नहीं है, अब हर बात का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। देखो, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक परसेप्शन फिक्स कर दिया इन्होंने कि हमने 370 इसलिए तोड़ी गई हिंदुस्तान खा गए, ये था। फिर ज़मीन पे आया कि इन्होंने ज़मीन खाई हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने सेलिब्रेशन भी की थी, और जिन्होंने की वो तो आए भी बेशर्मों की तरह खड़े हैं, वो तो बेशर्म लोग हैं ना, लेकिन उनके घर वाले भी उनको आजकल टिकट नहीं देते, समझे।